इब्रानियों के नाम पत्री पहला अध्याय। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया, क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, और फिर यह कि मैं उसका पिता हूंगा और वह मेरा पुत्र होगा। और जब पहलौठे को जगत में फिर लाता है तो कहता है कि परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें, और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है कि वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है, परंतु पुत्र से कहता है कि हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानियुग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तुझे अभिषेक किया, और यह है कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नेव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है, वे तो नाश हो जाएंगे परंतु तू बना रहेगा, और वे सब वस्त्र की नाई पुराने हो जाएंगे, और तू उन्हें चादर की नाई लपेटेगा और वे वस्त्र की नाई बदल जाएंगे, पर तू वही है और तेरे वर्षों का अंत न होगा। और स्वर्गदूतों में से उसने किस से कब कहा कि तू मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों के नीचे की पीढ़ी न कर दूं? क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं?